बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फालसे का ठंडा ठंडा शरबत। ये मेरे पास 1 kg फालसा है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह खुशक कर लिया है। इसमें जितना फालसा होगा उतनी ही चीनी जाएगी। ये 1 किलो मैंने चीनी इसमें डाली है। 1 गिलास मैं चीनी में पानी का डालूंगी और इसको पकने के लिए रख देंगे, और उतनी देर जितनी देर ये पकेगी चीनी उतनी देर मैं फालसे को शेक कर लूंगी। आइए इसको शुरू करते हैं। ये मैं मीडियम आंच पे इसको चीनी को रख दिया, बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये वो जल ना जाए चीनी, लेकिन पानी डाला हुआ है इसको मेल्ट हो जाएगी खुद ही। उतनी देर में हम इसको फालसे को शेक कर लेते हैं ब्लेंडर में डाल के। ये देखिए चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और ये मेल्ट भी हो गई है। अभी हम इसको और पकाएंगे मीडियम हाई पे, और साथ साथ मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें वो फालसा जो है वो छान कर डाल देंगे। ये मैंने फालसे को अच्छी तरह शेक कर लिया, इसमें 1 गिलास पानी मैंने डाला था साथ साथ, और इसको शेक कर लिया। अब हम इसको छान लेते हैं। एक मैं लूँगी बर्तन, उसके ऊपर अच्छा सा मरमर का धुला हुआ कपड़ा डालेंगे और उसको इसको पकड़ना है ताकि ये बीच में निकल ना जाए। बिस्मिल्लाह, इसको 5 से 7 में ऐसे इस पे हैंग कर देंगे ताकि अच्छी तरह वो जो है फालसा है वो निकल जाए, उसका पल्प जो है वो कपड़े में रह जाए। देखिए मैं इस तरह इसको अच्छी तरह से छान लूंगी ताकि पल्प जो है वो अंदर ना जाए और हमारा जो शरबत है बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा बन जाए। ये सा और ध्यान रखना है ये मलमल का कपड़ा है, ज़्यादा प्रेस करने पे फट ना जाए और पल्प जो है वो दोबारा वापस ना चला जाए उसमें। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है इसमें, लेकिन ये जल्दी से हो जाएगा। चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई, एक पर जागानी शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि ये पक गई है चीनी हमारी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो काला नमक डालूंगी और ये 1/4 टीस्पून है टाटरी, ये लाजमी इसमें जाएगी। इससे यह कि आपका शरबत 1 साल भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये मैंने छान के उसका जूस निकाल लिया था फालसे का, और ये भी इसमें डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाह, और ये देखिए कितना साफ है, जरा भी इसमें इसका पल्प जो है वो नहीं आया। अब मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी शरबत को, और फिर हम इसको ठंडा करके बोतल में डाल देंगे। अब मैं इसको मुसलसल चलाऊंगी ताकि ये चीनी जो है वो इसमें ज़्यादा ना हो जाए, सख्त ना हो जाए। ये देखिए मैं शरबत तैयार हो गया, मैं चूल्हे से उतार लिया। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसको मैं इसी बर्तन में रखूंगी जब तक ये अच्छी तरह ठंडा ना हो जाए। ये बोतल लें, उसको अच्छी तरह धोएं, साफ करें, लेकिन वो बिल्कुल खुशक होनी चाहिए, और फिर उसको इस बोतल को इस शरबत को उस बोतल में डालें और टाइट ढक्कन से बंद करके फ्रिज में रख दें। चाहे तो बाहर भी रख दें, ये ख़राब नहीं इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इसमें टाटरी और हम वजन चीनी डाली हुई है। बाज़ लोग इसमें फूड कलर डालते हैं रेड कलर का, लेकिन मैंने नहीं डाला। आप उसकी जगह चाहें तो इसमें 1 चम्मच जामेश्री या रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। उससे यह कि ये एक तो इसकी खटास कम हो जाएगी और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ना चाहें तो ऐसे भी बहुत अच्छा शरबत बन सकता है। ये मैंने 1 गिलास आपके लिए बनाया है, इसको पिए, इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स दें कि आपका शरबत कैसा बना। और ये फालसा थोड़ी देर सीजन में रहता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।